हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुलेन बेयर। मैं किशोर चंद्रा एक बार फिर से सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे ONGC के बारे में, ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में, क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने ONGC के ऊपर में कंप्लीट वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो अगर आप भी किसी कंपनी के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और सबसे पहले आज का प्राइस एक्शन देखते हैं। तो आज मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहा और आखिर में तेजी के साथ में बंद हुआ। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 0.73% तेजी के साथ में 11,470 के ऊपर बंद हुआ। लेकिन अगर हम ONGC की बात करें तो स्टॉक में ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली। ONGC 3.29% गिरकर 79.35 पे बंद हुआ। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे ONGC की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे करंट प्राइस बिहेवियर के बारे में, साथ ही इसकी रिटर्न हिस्ट्री को जानेंगे कि बीते समय में इन्वेस्टर को किस प्रकार से ONGC ने रिटर्न बना के दिए हैं। इसके अलावा इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे इसके लेटेस्ट क्वार्टर के नतीजों को डिस्कस करेंगे और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो बदलाव हुए हैं इन बदलावों को भी देखेंगे। और अगर आप ONGC में इन लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट के इच्छुक हैं तो यहाँ पे एक्सपर्ट की राय को भी जानेंगे कि एक्सपर्ट इस बारे में क्या राय रखते हैं। साथ ही ONGC की जो प्रीवियस प्राइस हिस्ट्री है इसको देखेंगे। और अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं और ONGC में अगर आप इंट्राडे प्ले करते हैं तो हफ्ते के जो बचे हुए ट्रेडिंग सेशन है इसमें आपको कौन से टारगेट प्राइस देखने को मिल सकता है इस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके इनकरेज जरूर कीजिए, सपोर्ट जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, वापस आ जाते हैं ONGC के डिस्कशन में और सबसे पहले बात करते हैं इसके करंट प्राइस बिहेवियर के बारे में। तो बातचीत को स्टार्ट करूंगा मैं 13 मार्च 2020 से। 13 मार्च को इसने लो बनाया था 51 रुपए पैसे का और यहां से इसमें अच्छी खास रिकवरी देखने को मिली। 8 जून 2020 को इसने हाई बनाया लगभग 93 रुपए का, लेकिन यहां से गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। 16 जुलाई की हम बात करें तो 16 जुलाई को इसने लो बनाया 75 रुपए का, लेकिन यहां से लेकर अभी तक स्टॉक एक रेंज बॉन्ड में ट्रेड कर रहा है। और अगर आप मार्केट को देखें तो मार्केट नए हाई पे हाई बनते जा रहे हैं मार्केट में, लेकिन अगर हम ONGC की बात करें तो मार्केट के हिसाब से इसमें मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। 85 के लेवल के आसपास में इसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है और 75 के आसपास में स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। और अगर स्टॉक 85 के लेवल को ब्रेकआउट कर लेते हैं तो फिर इसको 92 रुपीज के आसपास में इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। और अगर 75 का लेवल ब्रेक डाउन होता है तो फिर स्टॉक 70 के आसपास में सपोर्ट ले सकता है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके रिटर्न हिस्ट्री के बारे में और जानते हैं कि बीते समय में इन्वेस्टर को इसने किस प्रकार से रिटर्न बना के दिए हैं। तो अगर हम मैक्सिमम की बात करें यानी कि सन 2000 से अगर हम देखें तो स्टॉक ने लगभग 85% के रिटर्न बना के दिए हैं इन्वेस्टर को। अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में यहाँ पे -47.49% के नेगेटिव रिटर्न है। अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो यहाँ पे भी नेगेटिव रिटर्न है 30.04% के। और अगर हम 1 महीने में भी देखते हैं तो 1 महीने में यहाँ पे 4.53% के पॉजिटिव रिटर्न है। अगर हम 1 वीक की बात करते हैं तो 1 वीक में यहाँ पे 0.73% के पॉजिटिव रिटर्न है। तो दोस्तों, रिटर्न हिस्ट्री इसकी कुछ खास नजर नहीं आती है। और अगर आप इन लेवल्स पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक हैं तो यहाँ पे एक बार एनालिस्ट की पोल को देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे 31 एनालिस्ट की यहाँ पे पोल है और यहाँ पे 68 एनालिस्ट का मानना है कि स्टॉक में भी बाय किया जा सकता है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देखें तो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के सारे पैरामीटर हैं ये भी ग्रीन सिग्नल देते हैं कि स्टॉक में बाय किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर हम इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की माने और एनालिस्ट की माने तो स्टॉक में बाय अभी किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट की। तो दोस्तों, यहाँ पे जो रिजल्ट अभी जून क्वार्टर के अपडेट नहीं किए गए हैं, मार्च क्वार्टर की अगर हम बात करें तो मार्च क्वार्टर में टोटल रेवेन्यू जनरेट किया गया था 21,556.20 करोड़ का, जिसमें से कि नेट लॉस हुआ था 3,098.26 करोड़ का। और अगर हम दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है। टोटल रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट किया गया था 23,710.05 करोड़ का, जिसमें से कि नेट प्रॉफिट हुआ था 4,151.63 करोड़ का। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात करें तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट किया गया था 96,213.61 करोड़ का, जिसमें से कि नेट प्रॉफिट हुआ था 13,444.54 करोड़ का। तो अगर ओवरऑल देखेंगे तो मार्च क्वार्टर में कंपनी को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। अब एक नजर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर डालते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 60.14% की है और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे 39.59% की है। और अगर हम पब्लिक होल्डिंग को डिटेल में देखें तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास यहाँ पे 14.13% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास यहाँ पे 10.49% की होल्डिंग है और FIIs के पास में यहाँ पे 8.10 करोड़ की होल्डिंग है।
तो मेजोरिटी शेयर होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर के पास में है। और इस क्वार्टर में अगर हम चेंजिंग की बात करें, जून क्वार्टर में अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजिंग की बात करें, तो प्रमोटर की होल्डिंग में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है। एफआईज ने यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज किया है 0.48% का, म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे होल्डिंग को डिक्रीज किया है 0.89% का, और इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज किया है 0.32% का, अदर्स पीआईज ने भी होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया है 0.06% का, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज किया है 0.03% का। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग को डिक्रीज किया है, बाकी सब ने होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी प्राइस हिस्ट्री के बारे में। तो जनवरी 2003 की अगर हम बात करें तो स्टॉक 40 रुपए के ऊपर में ट्रेड कर रहा था, और जनवरी 2004 आते आते स्टॉक का प्राइस 110 रुपए पहुंच गया। मई 2006 में इसने हाई बनाया 168 रुपए का, नवंबर 2007 में इसने फिर से नया हाई बनाया 230 रुपए का, लेकिन 2008 की क्राइसिस के बाद में इसमें भी तेज गिरावट देखने को मिली, और अक्टूबर 2008 में इसने लो बनाया 90 रुपए का, लेकिन यहां से इसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिलती है, और सितंबर 2010 आते आते स्टॉक का प्राइस 244 रुपए तक पहुंच जाता है। यहां से फिर इसमें गिरावट आती है, और अक्टूबर 2012 में ये लो बनाता है 154 रुपए का। 2012 में 154 रुपए का लो बनाने के बाद से ही इसमें फिर से तेजी देखने को मिलती है, और जनवरी 2014 में ये ऑल टाइम हाई बनाता है 314 रुपए का। लेकिन अगर जनवरी 2014 से देखें तो इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है, और अगर हम मार्च 2020 की बात करें तो स्टॉक 51.80 रुपए का लो बना चुका है। हालांकि लो प्राइस से ये काफी अच्छे हद तक रिकवरी कर चुका है, लेकिन अगर इसके हम ऑल टाइम हाई से देखें तो अभी रिकवरी इसकी नाकाफी है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं और ONGC में अगर आप इंट्राडे प्ले करते हैं तो हफ्ते के जो बचे हुए ट्रेडिंग सेशन है इसमें आपको कौन से टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो इससे पहले आज का प्राइस एक्शन को देख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो 82.05 रुपए के ऊपर में थी, आज ओपन हुआ था ये 82.50 रुपए के ऊपर में, आज गैप अप इसमें ओपनिंग हुई थी, हाई बनाया था इसने 82.95 रुपए का, लो बनाया था इसने 78 रुपए का, और आखिर में 3.29% गिरावट के साथ में ये बंद हुआ 79.35 रुपए के ऊपर में। अब बात करते हैं कि हफ्ते के जो बचे हुए ट्रेडिंग सेशन है इसमें आपको कौन से टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में पहला टारगेट इसका 82.50 रुपए का हो सकता है, दूसरा टारगेट इसका 83.80 रुपए का हो सकता है, और तीसरा टारगेट इसका 85.10 रुपए का हो सकता है। और अगर मार्केट में गिरावट रहती है तो इसमें भी ऑब्वियसली गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। डाउन साइड में इसका पहला टारगेट 77.60 रुपए का हो सकता है, दूसरा टारगेट इसका 76.10 रुपए का हो सकता है, और तीसरा टारगेट इसका 74.60 रुपए का हो सकता है। तो दोस्तों इन लेवल्स को ध्यान पे रखकर आप इंट्राडे प्ले कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको डेटा पसंद आया होगा, डेटा आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके इनकरेज जरूर कीजिए। साथ ही अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक पे जाकर आप आसानी से अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।